नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ स्वाहा नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के दो पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं स्वाहा नॉवल का पार्ट 3। माया तत्काल बाहर निकली और सड़क पार करके सामने वाले बंगले के दरवाजे पर पहुंची। उसने वहां पर कॉल बेल बजाई। दरवाजा रजनी के नौकर ने खोला। हाँ, क्या है? बीबी कहाँ है? रेखा बीबी अंदर है, नौकर ने कहा, और एक तरफ हटते माया को अंदर आने का रास्ता दे दिया। रेखा ने माया को भीतर आते देखा तो उसका माथा ठनका। उसने तेजी से पूछा, क्या हुआ माया, खैर तो है? हाँ जी, बिल्कुल खैर है। वो जी, आपको बड़ी बीबी बुला रही हैं। रेखा उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ रजनी, तुम आना। रजनी उसे गेट तक छोड़ने आई। रेखा और माया सड़क पार कर अपने बंगले के गेट के करीब आ गई तो माया ने उसे निकट होते ही बड़ी राजदारी से कहा, बीवी वो आया था। वो काले कपड़ों वाला? रेखा ने ठिठकते हुए पूछा। हाँ जी, पर आपको कैसे पता चल गया? तुम्हारी शक्ल देखकर, हवाइयाँ जो उड़ रही हैं। वो जी खाली पिंजरा ले गया है और आपके लिए एक संदेशा दे गया है। और माया ने उस रहस्यमय व्यक्ति के साथ हुई बातें सविस्तार कह सुनाई। ये सब सुन रेखा का रंग उड़ गया। एक अज्ञात सभ्य उसके दिमाग पर छा गया था। वे बातें करते हुए अंदर आए थे। अपने कमरे में आकर रेखा एक कुर्सी पर बैठ गई तो माया बैठ के कोने पर आ बैठी। रेखा की समझ में नहीं आ रहा था ये रहस्यमय व्यक्ति कौन है जो अचानक ही कहीं से प्रकट हो जाता था। नाम भी बड़ा अजीब था, काला चिराग। भला ये भी कोई नाम हुआ? चिराग से तो रोशनी फूटती है, और रोशनी काली कब होती है? वो संदेशा दे गया था कि अब रेगिस्तान में मुलाकात होगी, पर रेखा को किसी रेगिस्तान में जाने की क्या जरूरत थी? अगर कोई उसका इंतजार किसी रेगिस्तान में कर रहा है तो फिर जिंदगी भर इंतजार ही करता रहेगा। वो यहाँ आराम से रह रही थी, उसे रेगिस्तान में भटकने की भला क्या जरूरत है? वो ये सोच रही थी और नहीं जानती थी कि वो जो सोच रही है गलत सोच रही है। आने वाला वक्त उसके लिए जो जाल बुन रहा था, उस जाल में फंसकर उसे न जाने कहां कहां भटकना था। माया रेखा को खामोश बैठा देखकर खड़ी हो गई। बीवी मैं नीचे जा रही हूँ, जरा किचन देखूँ। माया के नीचे चले जाने के बाद रेखा कुर्सी से उठी और टेलीफोन उठाकर बेड पर ले आई और आलती पालती मारकर बैठ गई। उसने अमर का नंबर लगाया और रिसीवर कान से लगा लिया। दो घंटियां बजने के बाद किसी ने रिसीवर उठाया। उधर से हेलो कहने वाला व्यक्ति अमर नहीं था, उसका असिस्टेंट आनंद था। भाई कहाँ है? रेखा ने उसकी आवाज़ पहचान कर पूछा था। आनंद भी देखा कि आवाज़ को पहचानता था, सो फौरन समझ गया कि किस भाई को पूछा जा रहा है। उसने जवाब दिया, जी वो तो चले गए। कहाँ? किसी साहब से मिलने गए हैं, वहाँ से घर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, कहकर रेखा ने रिसीवर रख दिया। बाहर अब बारिश होने लगी थी। रिसीवर रखने के बाद वो यूं ही दरवाजे को देखती रही। दरवाजे को देखते देखते उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई अंदर आया है। ये उसकी अजीब आदत थी, उसे बैठे बिठाई अपने गिर्द किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, किसी अमानवीय प्राणी की मौजूदगी का एहसास। इस गैर इंसानी प्राणी के बारे में सोचते सोचते उसका ध्यान उस बंद कमरे की तरफ चला गया। फिर बेअख्तियार ही ललक उठी कि वो उठे, उस कमरे का ताला खोले और उस कमरे के अंदर चली जाए। अंदर जाकर देखे तो सही कि उसमें क्या है। उल्लू का खून, कदमों के निशान, घायल उल्लू का फड़फड़ाकर उड़ जाना, बड़े दादा का लिफाफा, बंद कमरा, उसके हैंडल पर लटका हुआ ताबीज, इन सब बातों ने उसे सख्त उलझन में डाल दिया था। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति उसे इसके लिए उकसा रही थी कि वो किसी तरह उस काली दीवारों वाले कमरे में दाखिल हो जाए। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि उस कमरे के ताले की चाबी किसके पास है। उसने इस सिलसिले में गंगा मौसी से बात करने की सोची, वही चाबी के बारे में बता सकती थी। वो गंगा मौसी के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि अमर भी मौसी के साथ बैठा उनसे बात कर रहा है। उन दोनों ने ही मुस्कुराकर जैसे रेखा का स्वागत किया। गंगा मौसी बोली, आओ रेखा, बारिश का मजा ले रही हैं आप? अमर बोला, हाँ भाई, आप जानते ही हैं मुझे बारिश कितनी अच्छी लगती है, जी चाहता है ऐसी बारिश में नहाऊं। तो नहाओ, किसने रोका है? अरे अमर, कैसी बात कर रहे हो? मौसी ने विरोध किया। हरगिज नहीं बेटी, बीमार हो जाओगी। सुन लिया भाई? रेखा ने हंसकर कहा। मौसी विषय बदलते हुए बोली थी, अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। मौसी एकाएक ही संजीदा नजर आने लगी थी। मैं अभी अमर से तुम्हारी ही बात कर रही थी। क्या मौसी?
वो माया बता रही थी कि वो मरजाना काले कपड़ों वाला फिर आया था अपना उल्लू वापस लेने। अमर भी हालात से आगाह था। उसने हंसते हुए टिप्पणी की थी, उल्लू तो उसे मिला नहीं, खाली पिंजरा ले गया और आइंदा प्रकार का वक्त दे गया। जी भाई, वो कह गया है कि रेगिस्तान में मिलेगा, रेखा ने सहज भाव में जवाब दिया। जाने कौन शख्स है, मैंने तो आज तक उसे नहीं देखा। अब तो उससे मिलने के लिए रेगिस्तान का ही रुख करना पड़ेगा, अमर बदस्तूर शोखी से बोला था। भगवान ना करे। अमर, तुम बेकार की बेहुदा बातें बहुत करते हो, मौसी ने अमर को प्यार से डांटा। भाई एक बात तो बताओ, रेखा अमर को निहारते हुए बोली। जरूर, क्या बात है? उस काली दीवारों वाले कमरे की चाबी कहाँ है, रेखा ने पूछा। क्यों, खैरियत तो है? मौसी एकदम सहम गई। रेखा बेटी, यह अचानक तुम्हें चाबी का ख्याल कैसे आया? बस वैसे ही पूछ रही हूँ, रेखा सहज भाव में बोली। कहाँ है चाबी भाई? चाबी कहाँ है मुझे खुद याद नहीं, अमर बोला। वासुदेव साहब ने जाने चाबी मुझे दी भी थी या नहीं, 7-8 साल हो गए हैं ये मकान खरीदे, अब कुछ याद नहीं है। वैसे भी जब वासुदेव साहब ने ये बात मुझे बता दी कि इस कमरे को किसी भी हालत में कभी नहीं खोलना है, तो मैंने इस कमरे की चाबी का भी ज्यादा ख्याल नहीं किया होगा। मेरा ख्याल है वासुदेव साहब ने चाबी मुझे दी ही नहीं थी। हाँ, नहीं दी थी, मौसी बोल उठी। मुझे याद है, हमने मांगी भी नहीं थी। चाबी के बारे में इस रहस्य उद्घाटन ने कि वो घर में नहीं है, रेखा को बड़ा निराश किया। वो कुछ देर मौसी और अमर से बातें करती रही तथा फिर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर रेखा उस काले कमरे का ख्याल अपने जहन से ना निकाल पाई और ना ही उस कमरे में जाकर अंदर से देखने की अपनी ख्वाहिश को ही दबा पाई थी, बल्कि जाने क्यों उसे यह महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, आओ रेखा, चलो वो कमरा देख लो। अपना ध्यान बांटने को ही रेखा ने कैसेट लगाई और सुनने लगी। ध्यान थोड़ा बटा और फिर कैसेट सुनते सुनते ही जाने कब उसे नींद आ गई। रात को 2 बज रहे थे, बारिश बंद हो चुकी थी। रेखा की आंख अचानक ही खुल गई, उसका गला खुश्क हो रहा था। उसने उठकर साइड टेबल पर रखे जग से पानी निकालना चाहा, मगर जग तो खाली था। माया शायद आज पानी रखना भूल गई थी। उसने जग उठाया, दरवाजा खोलकर बाहर आई और सीढ़ियां उतरने लगी। इरादा नीचे रखे फ्रिज से पानी लेकर आने का ही था, लेकिन नीचे पहुंची तो उसकी सोच बदल गई। उसने जग डाइनिंग टेबल पर छोड़ा और जैसे मंत्रमुग्ध सी ही उस कमरे की ओर बढ़ गई। हैरत की बात यह थी कि अभी कुछ देर पहले प्यास की वजह से उसके गले में कांटे से चुभ रहे थे, लेकिन अब वह एहसास जाता रहा था, प्यास बुझ गई थी। वो बड़े इत्मीनान से उस रहस्यमय कमरे की तरफ बढ़ती चली गई थी। और फिर वो जब उस कमरे के निकट पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि गंगा मौसी पहले से ही वहां मौजूद थी। आओ रेखा, आओ, मुझे मालूम था कि तुम यहां जरूर आओगी। और इससे पहले कि रेखा कुछ कहती, गंगा मौसी बड़ी तेजी से उसकी तरफ लपकी, जैसे उसे मारना चाहती हो। बेवकूफ लड़की, क्यों अपनी जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, ठहर तो मैं बताती हूँ तुझे। गंगा मौसी को यूं अपनी तरफ लपकते देखकर रेखा किसी चीज से उलझ कर लौटी तो उसकी चीख निकल गई। रेखा की आंखें खुली, उसने खुद को अपने कमरे में अपने बेड पर पाया, यानी कि वो ख्वाब देख रही थी। उसने साइड टेबल पर रखे जग पर नजर डाली, जग पानी से भरा हुआ था। वो उठकर बाथरूम में गई, वहां से निकली तो वो ख्याल जो शाम से उसके दिल में बार बार उठ रहा था, उसी ख्याल ने अचानक फिर सिर उठाया। कोई था जो उसे इस बात पर उकसा रहा था कि वो उठकर नीचे जाए। बाहर अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसके दिल में नीचे जाने की ख्वाहिश तीव्र होती जा रही थी। वो जैसे बेअख्तियार ही बाहर निकली, वह किसी सम्मोहित मंत्रमुग्ध प्राणी की तरह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। रात के सन्नाटे में झिंगुरों की आवाजें बहुत साफ सुनाई दे रही थी। रेखा को एहसास ही ना हो सका कि वो कब उस बंद दरवाजे के सामने पहुंच गई जिसके हैंडल पर काले धागे और काले कपड़े में लिपटी ताबीज लटक रहा था। ताबीज को साथ लगाए बिना ही उसने हैंडल पर हाथ रखा और तभी उसके मुंह से बेअख्तियार निकला, अरे। आश्चर्य की बात ही थी, उसकी हैरत स्वाभाविक थी। इस कमरे को बरसों से बंद व लॉक बताया जा रहा था, लेकिन वो बंद ना था। रेखा ने ताबीज को हाथ लगाए बिना ही हैंडल को घुमाया, वह सहज में ही घूम गया। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से सर्दी की तेज लहर आई, बेहद ठंडी हवा थी। यही लगा था जैसे भीतर एक साथ कई एयर कंडीशनर चल रहे हों। सर्दी की लहर के साथ ही खौफ की लहर भी आई, जो सीधी रेखा की रीढ़ की हड्डी में उतरती चली गई। उसका दिल कांप उठा, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। रेखा की यह मनोवृत्ति इन भयावह क्षणों के सबब थी। इससे पहले तो रेखा पर खौफ की बजाय एक जिज्ञासा की कैफियत हावी थी। शामी से उसे कोई इस दरवाजे की तरफ खींच रहा था। सोते में स्वप्न में भी उसकी ये ख्वाहिश जोर मारती रही थी। वो इसी ख्वाहिश के अधीन ही तो मंत्रमुग्ध व सम्मोहित सी इस दरवाजे तक पहुंची थी
और उसने बेधड़क हैंडल पर हाथ रख दिया था। हैंडल घुमाया था तो सर्दी की तीव्र लहर थोड़े से खुले दरवाजे से निकल मानो चमगादड़ बनकर उसके बदन से लिपट गई हो। वह थर्रा उठी। उसने फौरन दरवाजे का हैंडल अपनी तरफ खींच लिया। दरवाजा हल्की सी खटके साथ बंद हो गया। रेखा के मसामों से पसीना फूट निकला था। उसने अपने दाएं बाएं देखा। राहदारी में कोई नहीं था। इस वक्त वहां कौन होता भला, सब अपने कमरों में थे। वो लड़खड़ाते कदमों से चलती जीने की तरफ आई और फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलांगती ऊपर पहुंची। अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे से पीठ लगाकर हांफने लगी। तभी बड़े जोर से बिजली चमकी, बादल गरजे और एकदम ही मुसलधार बारिश होने लगी। वातावरण एकाएक ही बड़ा भयावह और हौलनाक हो गया। वो धीरे धीरे चलती अपने बेड की तरफ आई और धम से कटे हुए शैतीर की तरह उस पर गिरी। कुछ देर तो यूं ही एकदम निश्चल पड़ी रही, फिर हाथ बढ़ाकर जग उठाया और उसी में मुंह लगाकर दो घूंट पानी पिया। फिर सीधी लेटकर छत को खाली खाली नजरों से घूरने लगी। अब उसका भय शने शने कम होता जा रहा था। रेखा के लिए वो बड़ा विचित्र अनूठा अनुभव था। सब कुछ ही तो आशा के विपरीत हो रहा था। इसकी आशा तो उसे कदापि नहीं थी कि दरवाजा इस तरह खुला मिल जाएगा। रेखा उस कमरे में जाने की तीव्र इच्छा रखती थी क्योंकि बड़े दादा हरिओम ने उसके ख्वाब को उस दरवाजे से जोड़ दिया था। कैसा अनूठा अनुभव था ये कि रेखा अपने आप को किसी अज्ञात गैर इंसानी प्राणी के प्रेरित किए बरबसी और सम्मोहित सी उस दरवाजे तक जा पहुंची थी। उस अदृश्य मानवीय प्राणी ने ही उसे बेबस कर अपना आदेश मानने को विवश कर दिया था। वो दरवाजे पर पहुंची और फिर उस पर रहस्य उद्घाटन हुआ कि जिस दरवाजे की चाबी के लिए वो हलकान हो रही थी वो दरवाजा लॉक था ही नहीं। पर विडंबना ये थी कि लाख चाहते हुए भी दरवाजा खुला मिलने पर भी रेखा अंदर नहीं जा सकी थी। जरा सा अंदर जाना तो दूर की बात है, वो दरवाजा खोलकर अंदर देख झांक भी ना सकी थी। दरवाजा खुलते ही ऐसी ठंडी हवा कि खुदा की पनाह। उस कमरे में तो खिड़कियां भी नहीं थी, फिर भी ऐसी खून जमा देने वाली शीत लहर। बहरहाल इतना फायदा तो हुआ ही था कि अब रेखा जान गई थी कि वो दरवाजा लॉक नहीं था। ये हकीकत अगर वो मौसी और अमर भाई को बताती तो उन्होंने सिर्फ हैरानी नहीं खौफजदा हो जाना था। रेखा सोचने लगी कि वो इस भेद को भेद ही रखे, किसी को ना बताए कि दरवाजा खुला हुआ है और दिन के वक्त मौका पाकर उस कमरे में घुस जाए। ऐसी बातें सोचते सोचते लगभग 3 बजे रेखा एक बार फिर नींद की बाहों में थी और उसे पुरसकून नींद आई थी। रात को देर से सोई थी, सुप्रातः जल्दी उठने का सवाल ही नहीं था। माया कई बार ऊपर चक्कर लगा गई थी और उसे रेखा के कमरे का दरवाजा हर बार बंद ही मिला था। रेखा के बारे में गंगा मौसी भी कई बार पूछ चुकी थी और उसे हर बार यही जवाब मिला था, वो सो रही है बड़ी बीबी, दरवाजा भीतर से बंद है। गंगा मौसी ने नाश्ता अपने कमरे में मंगवा कर किया था और अखबार भी पढ़ लिया था, मगर रेखा के उठने की सूचना उन्हें अब तक नहीं मिली थी। और फिर 9:30 बजे ऑफिस जाने से पहले अमर गंगा मौसी से विदा लेने आया तो उन्हें वक्त का एहसास हुआ। गंगा मौसी की बेचैनी बढ़ी। उसने माया को आवाज दी, आई बड़ी बीबी। माया कमरे में आई तो अमर भी मौसी के पास था। अच्छा मौसी, मैं चलता हूँ, अमर ने कहा और कमरे से निकल गया। बड़ी बीबी, वो जी दूध फट गया है, माया ने मुंह खोला। वो यही बताने को इधर आ रही थी कि गंगा मौसी ने उसको आवाज लगा दी थी। हाय, गंगा मौसी ने बड़ा सा मुंह खोलकर इस तरह अपने दोनों हाथ सीने पर रखे जैसे दूध न फटा हो, बम फट गया हो। अरे निगोड़ी, ये तूने सुबह सुबह कैसी अशुभ खबर सुनाई, ये तो बड़ा अपशगुन है। अमर सुन तो, जरा 1 मिनट ठहर, ये कहकर गंगा मौसी मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। अरे मौसी, कुछ नहीं हुआ, दूध ही तो फटा है, मैं दूध वाले को कहता जाऊंगा, वो अभी और दे जाएगा। आप भी मौसी दिन प्रतिदिन वहमी होती जा रही हैं, अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें नहीं मालूम अमर, दूध का फटना अच्छा नहीं होता, मौसी ने कुछ पढ़ने के बाद अमर के मुंह पर 3 फूंके मारी। क्या हो जाता है, अमर ने शोखी से पूछा। भगवान करे आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, मौसी ने सवाल का सीधा स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। अरे छोड़ो भी, कुछ नहीं होगा, खराब दूध था फट गया। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई वहम ना पालना मौसी, अमर चला गया। गंगा मौसी माया से संबोधित हुई। माया ऐसा करो, फटे हुए दूध में एक लाल मिर्च डालकर उसे एक उबाला दे दो। इससे क्या होगा बड़ी बीबी, माया की जिज्ञासा बढ़ी। जो कहती हूँ वो करो, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, गंगा मौसी ने गुस्से से कहा। जी बीबी, माया फौरन संभल गई। आपने मुझे आवाज लगाई थी? हाँ, देखो जाकर रेखा को उठाओ, 9:30 बज रहे हैं। दरवाजा बंद हो तो खटखटा दूं, माया ने जैसे इजाजत चाही। हाँ, कुछ कहे तो मेरा नाम ले देना, गंगा मौसी ने शांत होते हुए समझाया। और सुन, जाने से पहले किचन में जाना, फटे दूध में लाल मिर्च डालकर उसे उबाल देकर सिंक में बहा देना,
समझ गई ना मेरी बात? जी अच्छी तरह, माया ने कहा और कमरे से निकल गई। माया भी गंगा मौसी की बदलती फितरत को लेकर हैरान थी। पता नहीं ये बड़ी बीबी को क्या होता जा रहा है, बात बात पर वहम करने लगी है। कोई छींक दिया तो क्यों छींकी, बालों में कंघी उलझ गई या बाल सुलझाते हुए कंघी हाथ से निकलकर फर्श पर जा पड़ी, दीवार पर से बिल्ली गुजर गई, रात को कहीं से किसी मुर्गे की बांग सुनाई दे गई या ऐसी की कोई अपशकुनी समझी जाने वाली बात हो गई तो बड़ी बीबी लग गई उसके पीछे। अब ये दूध फटने में कुछ भी असाधारण क्या था, पर उनके लिए तो ये बड़ा खतरनाक अपशगुन था। इसके तोड़ के लिए उन्होंने लाल मिर्च डालकर उस दूध को एक उबाल देने को कहा था, यह सोचते हुए माया ने मुंह बिचकाया था। हाँ, माया भी एक चीज थी। वो गंगा मौसी के सामने तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उनकी अंधविश्वासपूर्ण हिदायतों पर भी कभी नहीं चलती थी। गंगा मौसी की हिदायत पर कुड़ती माया किचन में पहुंची और दूध भी सिंह में बहा दिया, मगर उसमें लाल मिर्च न डाली थी। फिर पतीला धोकर वो जल्दी से ऊपर चली गई। वो ऊपर पहुंची तो उसे रेखा का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ना पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था और रेखा तौलिए से मुंह पोंछते हुए बाथरूम से निकल रही थी। रेखा उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, जी राम राम बीबी। माया ने उसके हाथ से तौलिया लेकर गैलरी में फैला दिया और फिर वापस आकर बोली, बीबी आपको बड़ी बीबी ने बुलाया है। मुझे आज उठने में देर हो गई, क्या मौसी ने नाश्ता कर लिया? हाँ जी, नाश्ता कर लिया और अखबार भी पढ़ लिया। अब वो परेशान है कि आप अब तक क्यों नहीं उठी। मौसी भी बस, रेखा मुस्कुरा दी, खामखाई परेशान हो जाती है आजकल। एक खबर है बीबी कि दूध फट गया है, माया ने बड़ी संजीदगी से बताया। तो और आ जाएगा, इसे परेशानी वाली क्या बात है, रेखा हंसती थी। हाय बीबी, आप कितनी अच्छी कितनी समझदार है, माया चहकी। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं माया, रेखा को उसकी ये चहकार अर्थपूर्ण लगी थी। बड़ी बीबी नीचे परेशान बैठी है, उनका ख्याल है कि आज के दिन जरूर कुछ होकर रहेगा। और माया के ये शब्द रेखा के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगे। उसे फौरन ही रात की घटना याद आ गई। रहस्यमय कमरे का दरवाजा लॉक न था, वो हाथ लगाते ही खुल गया था और ये भेद अभी सिर्फ रेखा ही जानती थी। यानी कि रेखा अगर यह हकीकत जाकर मौसी को बता दे तो उनका अंधविश्वास यकीन में बदल जाएगा। इससे बड़ी बात आज के दिन में और क्या हो सकती थी। आपको क्या हुआ बीबी, ये आप क्यों एकदम परेशान सी दिखने लगी हैं, माया ने टोका। कुछ नहीं माया, मैं तो बस वो तुम्हारी बड़ी बीबी के बारे में सोच रही थी। वो अब जरूरत से ज्यादा अंधविश्वासी हो चली हैं। हाँ बीबी, बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा था कि फटे हुए दूध में लाल मिर्च उबालकर सिंक में बहा दूं। मैं ऐसे ही दूध को बहा आई हूँ, मैंने ठीक किया ना? हाँ माया, तुमने ठीक किया, ये सब बेकार की बातें हैं, रेखा मुस्कुरा दी। फिर आगे बोली, माया एक बात बताओ, तुम इस घर में कब से हो? कोई 4 साल तो हो गए होंगे, माया ने बताया। वो रेखा के साथ बैठने लगी थी। तुमने कभी उस दरवाजे को खुला देखा है जिस पर ताबीज बंधा है? नहीं बीबी, क्यों? कभी तुम्हारे दिल में खुद बुद नहीं हुई कि उस दरवाजे को खोलकर देखा जाए, रेखा ने सवाल किया। शुरू शुरू में तो ख्वाहिश थी बीबी कि इस कमरे में क्या रखा है, लेकिन बड़ी बीबी ने उस कमरे के बारे में कुछ ऐसा डरा दिया था कि मैं कभी उस दरवाजे के सामने खड़ी भी नहीं हुई। बड़ी बीबी ने उसे उस ताबीज की वजह से दरवाजे की सफाई करने को भी सख्ती से मना कर दिया था। वो कभी कभी खुद ही साफ कर दिया करती हैं उस दरवाजे को। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं बीबी? ऐसे ही पूछ रही हूँ, रेखा सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। बीबी आपको इस घर में आए करीब 1 साल तो हो ही गया है, अब से पहले तो आपने कभी पूछा नहीं। मैंने एक बार मौसी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि उस कमरे में काट कबाड़ है, कि वो एक तरह का स्टोर है। उस ताबीज के बारे में उन्होंने बताया था कि वो पिछले मकान मालिक का लटकाया हुआ है ताकि घर में बरकत रहे। अब मेरी तबीयत में भी चूंकि खाज नहीं, इसलिए कभी उस कमरे की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। तो अब क्या हुआ, माया ने पूछा। वो कुछ संकेत और सतर्क सी नजर आने लगी थी। रेखा ने शायद माया को अपनी राजदार बनाना चाहा था। वो मन मन मुस्कुराते हुए बोली, अब मेरा जी चाहता है कि उस कमरे का राज मालूम करूं। माया क्यों ना हम दोनों मिलकर उस कमरे में चलें? मुझे तो बीबी आप माफ करें, माया ने हाथ जोड़ दिए, मुझे अभी यहाँ नौकरी करनी है जी। ऐसा अच्छा घर और ऐसे अच्छे लोग मुझे कहाँ मिलेंगे, आप तो मुझे बस नौकरी करने दें। अच्छा जाओ मेरा नाश्ता लाओ, और इस बात का जिक्र मौसी से ना करना, मैं मौसी के कमरे में जा रही हूँ, नाश्ता वहीं ले आना। गंगा मौसी के कमरे में जाते वक्त जब रेखा की नज़र उस रहस्यमय दरवाजे पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कनें बरबस ही तेज हो गई। दरवाजा ज्यों का त्यों बंद था और वो काला ताबीज भी वैसे ही दरवाजे के हैंडल पर झूल रहा था। गंगा मौसी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से गंगा मौसी के बोलने की आवाजें आ रही थी। रेखा कमरे में दाखिल हुई तो उसने गंगा मौसी को फोन पर चीख चीख कर बातें करते पाया।
रेखा ने हाथ के इशारे से उनका अभिवादन किया और उनके कदमों में कालीन पर बैठ गई। लो वो आ गई, गंगा मौसी ने फोन पर शायद उसी के बारे में बताया था। किसका फोन है मौसी? रेखा ने उत्सुकतावश पूछा। तुम्हारे बलदेव अंकल का, गंगा मौसी के चेहरे पर रंग आया हुआ था। हाय, रेखा खुशी से चिल्लाई, लाओ फोन मुझे दो। लो भाई, रेखा से बात करो। गंगा मौसी ने रिसीवर रेखा के हाथ में दे दिया। नमस्कार अंकल, रेखा बोली, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ, तुम खुश तो हो वहाँ? बलदेव अंकल ने पूछा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, गंगा मौसी मेरा बहुत ख्याल रखती है, फिर भी मेरा दिल्ली जाने का जी चाहता है। कुछ और रुक जाओ, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा, बलदेव अंकल के स्वर में चिंता का भाव था। ऐसे तो आप पिछले कई माह से कह रहे हैं अंकल, तुम्हें कुछ और रुपए भेज दूँ? अंकल ने जैसे बहलाना चाहा था। रुपयों का मैं क्या करूँगी अंकल, रेखा रूठती सी बोली। आपने जो रुपए पहले भेजे हैं वही खर्च नहीं हुए हैं। मनी मेरी प्रॉब्लम नहीं है अंकल। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ सब्र करना होगा। ठीक है अंकल, जैसा आप कहें। रेखा ने गहरी सांस लेकर विषय बदला। वो वर्षा कैसी है? बिल्कुल ठीक है, तुम्हें याद करती है। मैं भी उसे याद करती हूँ। बलदेव अंकल ने दो चार बातें और की और उन्होंने वही कहा जो प्राय कहा करते थे, यानी कि रेखा खुद को खुश रखे और वो शीघ्र ही आकर रेखा को दिल्ली ले जाएंगे। रेखा ने चाहा कि वो ख्वाब देखने से लेकर उस रहस्यमय कमरे तक की सारी आपबीती कह सुनाए, मगर वो कुछ सोचकर रुक गई। वो जानती थी कि ये सब सुनकर अंकल परेशान हो जाएंगे और वो ये नहीं चाहती थी कि बलदेव अंकल उसकी वजह से परेशान हो। वो तो उसकी वजह से पहले से ही परेशान थे और ये अविश्वसनीय घटनाएं उन्हें और भी बौखला देंगी। बलदेव अंकल ने शादी नहीं की थी, हालांकि कमत्र 50 वर्ष के हो चुके थे। गंगा मौसी उनसे 2-4 बरस ही छोटी होंगी। जवानी के दिनों में बलदेव अंकल और गंगा मौसी के बीच में जबरदस्त इश्क चलता था। खानदानी मतभेदों तथा दुश्मनी की वजह से ही उनकी शादी ना हो सकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत को रुसवा ना होने दिया था। गंगा मौसी को दिल्ली छोड़ एक लंबा समय हो चुका था। अपने जीजा के स्वर्ग सिधार जाने के बाद गंगा मौसी स्थायी रूप से अपनी बहन के साथ ही आकर रहने लगी थी और उनकी बहन का एक ही बेटा था, अमर। बहन भी चल बसी तो अमर और वो अकेले रह गए। गंगा मौसी को विरासत में जो कुछ मिला था वो सब उन्होंने अमर के सुपुर्द कर दिया। अमर कंस्ट्रक्शन के धंधे में था, बंगले बनाकर बेचता था। वो गंगा मौसी से 8-10 साल छोटा था और अब 40 साल के लपेटे में था। शादी अमर ने भी नहीं की थी और ना ही करने का इरादा रखता था। कहता वो यही था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन क्यों नहीं करेगा ये आज तक उसने किसी को नहीं बताया था। बताया तो खैर गंगा मौसी ने भी किसी को कुछ नहीं था। वो तो रेखा को फोन पर उनकी और बलदेव अंकल की बातचीत से कुछ कुछ अंदाजा हुआ था, और तब रेखा ने गंगा मौसी से बहुत सारे सवाल किए थे और रेखा की जिद पर गंगा मौसी को अंततः अपनी कहानी सुनानी पड़ी थी, और यूं रेखा इस प्रेम कहानी की पहली राजदार बनने का सौभाग्य पा सकी थी। रेखा में ऐसी कोई बात थी कि उससे अपने दिल की बात कहने को जी चाहता था, और वो खुद ऐसी थी कि अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती थी, और इसकी वजह शायद यही थी कि वो किसी को अपना हमदर्द व हमराज न बना पाती थी। यही वजह थी कि उसने अपने भीतर ही अपनी एक दुनिया आबाद कर ली थी। हाँ, रेखा जब अकेली होती तो हकीकतन तब भी अकेली ना होती, सोचों के ख्यालों की एक भीड़ में होती। वो जागती आंखों से ख्वाब देख रही होती। उसकी कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता भी बड़ी अनूठी और शक्तिशाली थी। अगर वो टेलीविजन पर हिमपात का, बर्फ गिरने का सीन देख रही होती और अगर वो चाहती कि वो खुद इन दृश्यों का हिस्सा बन जाए, तो वो अपनी कल्पनाओं के जरिए उन दृश्यों का हिस्सा बन जाती थी। उसे फौरन ही ठंडक महसूस होने लगती थी। बहरहाल, आज भी अंकल की फोन कॉल ने रेखा को उलझा दिया था। उन्होंने रेखा को अभी कुछ और समय यहीं रहने को कहा था। ऐसा क्यों था ये रेखा नहीं जानती थी। रेखा ये भी नहीं जानती थी कि बलदेव अंकल उसे यहाँ क्यों छोड़ गए थे और उसकी ख्वाहिश के बावजूद उसे दिल्ली क्यों नहीं बुलाते थे। आखिर उनकी क्या समस्या थी? अंकल ये भी नहीं बताते थे, बस हंसकर टाल जाते थे या कहते थे अच्छा बताऊंगा, सब्र करो। पर अब तो हालात के रंग ही दूसरे थे। रेखा को जब से वो सपना दिखाई देना शुरू हुआ था, वो मानसिक रूप से उलझनों का शिकार होकर रह गई थी। उसके दिल का चैन लूट गया था। घटनाएं भी तो होश उड़ाने वाले हो रहे थे। वो डरावना ख्वाब, बड़े दादा का लिफाफा, रहस्यमय शख्स का उल्लू दे जाना, उल्लू का खून, खून से सने कदमों के निशान, रहस्यमय कमरा, कमरे में जाने की तीव्र इच्छा, कमरे का बंद ना होना। दोपहर का खाना खाकर रेखा अपने बेड पर लेटी हुई ये सभी सोच रही थी कि सहसा उसके दिल में एक लहर सी उठी। आंखें बंद सी होने लगी।
उसके कानों में जैसे कोई कह रहा था कि चलो रेखा उस रहस्यमय कमरे में चलो। और ये ख्वाहिश इतनी तीव्र थी कि रेखा किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह उठ गई। फिर मंत्रमुख सी वो नीचे पहुंची तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। गंगा मौसी अपने कमरे में थी और उनका दरवाजा बंद था। माया भी अपना काम समेटकर अपने कमरे में जा चुकी थी और ऊपर तो घर में कोई था ही नहीं। रेखा बड़े इत्मीनान से चलती हुई उस रहस्यमय कमरे के सामने पहुंच गई। दरवाजे के हैंडल पर हल्का सा दबाव डालकर उसने दरवाजा खोला। बंद दरवाजा अभी थोड़ा सा खुला था कि भीतर से एक मर्दाना आवाज उभरी, अभी नहीं रात को आना। इस आवाज में एक आदेश था, नम्रता या निमंत्रण नहीं था। बड़ी गूंजदार आवाज थी, लहजा अगर सख्त नहीं तो नर्म भी नहीं था। कोई व्यक्ति अपने आप में मग्न तथा व्यस्त हो और आप उसकी एकाग्रता में खलल बनना चाहें तो फिर इसी तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं। ये आवाज सुनकर रेखा को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे उसने दरवाजा खोलकर बेजा हस्तक्षेप कर डाला हो। उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। फिर दरवाजा खुला ही कितना था, जितना खुला था उसमें अंधकार के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आया था। वो धड़कते दिल से भागती हुई सीढ़ियों तक आई, सीढ़ियां चढ़ी और अपने कमरे में घुस धम से बेड पर आ बैठी। शुक्र की किसी ने उसे उस रहस्यमय कमरे को खोलते और फिर फौरन ही वहां से भागकर आते हुए नहीं देखा था। रात को उसने दरवाजा खोला था तो दरवाजा खोलते ही बेहद ठंडी हवा का एक तेज झोंका भीतर से आया था, लेकिन अब इस वक्त ऐसा महसूस नहीं हुआ था। न ठंडी हवा थी, न गर्म हवा थी और ना ही वो बू थी जो मुद्दत से बंद किसी कमरे में पैदा हो जाती है। इस बार हवा के बजाय आवाज आई थी, बड़ी ही रौबदार आवाज थी, अभी नहीं रात को आना। उसने अब तक जब जब भी इस कमरे के बारे में सोचा था तो यही सोचा था कि इस कमरे में कोई रहस्य नहीं है और इसे महज वहम या अंधविश्वासों के कारण ही बंद कर दिया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे इस कमरे के रहस्य उस पर खुलते जा रहे थे और अब वो ये सोचने को विवश हो गई थी कि इस कमरे में जरूर कोई बला है। उस मर्दाना आवाज ने हर शक व संदेह को यकीन में बदल दिया था। बहरहाल रेखा निश्चय कर चुकी थी कि वो उस कमरे में जाकर रहेगी, ये जानकर रहेगी कि आखिर वहां क्या है। बड़े दादा हरिओम ने उसके ख्वाब के जवाब में इस कमरे की तस्वीर बनाई थी, साफ इशारा किया था कि उसके भयावह सपने का हल इसी कमरे में है। वो बेचैनी से रात का इंतजार करने लगी। अंततः रात की कालिमा हर तरफ फैली। आकाश अंधकारमय था और गहरे काले बादलों से ढका हुआ था। 2 बज गए थे। एक उल्लू इस बंगले के ऊपर से कई बार गुजर चुका था और वो जब गुजरता था तो एक तेज चीख मारता और उसके पंखों की फड़फड़ाहट दूर तक गूंज जाती। इस बंगले के 7 चक्कर लगाने के बाद वो रेखा के कमरे की छत पर बैठ गया। रेखा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे कोई विशाल पक्षी उसके सीने पर आ बैठा हो। आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो जैसे ख्वाब देख रही थी। घड़ी पर नजर डाली, 2:05 हुए थे। रात का खाना खाकर वो अपने कमरे में आ गई थी। फिर ये सोचते सोचते कि वो किस वक्त उस काले कमरे में जाए, उसे नींद ने आदब पहुंचा था और अब उसकी आंख खुली तो 2 से ऊपर का टाइम था। कमरे में लाइट जल रही थी, दरवाजा बंद था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सीने पर किसी बड़े परिंदे का एहसास ख्वाब था, ख्याल था या उसका वहम। खैर अब वो उठ गई थी। रात को आने की हिदायत उसके कानों में गूंज रही थी। नीचे जाने की ख्वाहिश दिल में मचलने लगी थी, जोर पकड़ रही थी। कोई उसे कह रहा था चलो नीचे चलो। और फिर वही हुआ, वो किसी सम्मोहित प्राणी की तरह उठी व मंत्रमुक्त अंदाज में बाहर निकली और सीढ़ियां उतरने लगी। बरामदे की लाइट भी प्रकाशमान थी। वो बड़े इत्मीनान से उस रहस्यमय कमरे के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। फिर ताबीज को छुए छेड़े बिना हैंडल को हल्का सा घुमाया और दरवाजा खटकी आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। वो क्षण भर को ठिठकी रही जैसे अंदर आने की अनुमति चाहती हो। तभी भीतर से आवाज आई, अंदर आ जाओ, कब तक दरवाजे पर खड़ी रहोगी। वो फौरन ही दरवाजा खोलकर भीतर समा गई, पर कमरे का दृश्य देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। उसने तो सोचा तक भी नहीं था कि अंदर ये सब होगा। उसकी कल्पना में तो यही था कि कमरा अंदर से बेहद अंधकारमय होगा, क्योंकि उसे बताया गया था कि कमरों की दीवारों पर ही नहीं छत पर भी काला रंग करवाया गया है, जगह जगह जाले लगे होंगे और भीतर बरसों से बंद कमरे में अंदर कीड़े मकोड़े से रहे होंगे। बंद कमरे में बू होगी, सीलन होगी, लेकिन यहाँ का तो नक्शा ही उल्टा था। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उससे कहा गया दरवाजा बंद कर दो, और वो दरवाजा बंद करके पलटी तो उसने देखा कि कमरे में बेहद रोशनी है, जैसे दिन निकला हो। कमरे में ठीक मध्य में एक ऊंचे से आसन पर एक शख्स तड़क भड़क लिबास में बैठा है। कमरे में सुर्ख रंग का मोटा कालीन बिछा हुआ है। वो अधेड़ उम्र व्यक्ति किसी स्टेट का राजा लग रहा था।
उसका बैठने का अंदाज, कीमती राजसी पोशाक, स्वस्थ बलिष्ठ जिस्म, एक हाथ में सांप की तरह बलखाया राजदंड। रेखा ने थूक निकली। वो इस अनूठे प्रभावशाली व्यक्ति से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रही थी। आओ बैठो, उस शख्स ने आदेशपूर्ण स्वर में कहा। रेखा भी सोच ही रही थी कि वो कहां बैठे, क्योंकि उस कमरे में कुर्सी नाम की कोई चीज नहीं थी। पर तभी अगले ही क्षण उस शख्स के सामने कुछ ही फासले पर मखमल की गद्दी वाला स्टूल प्रकट हुआ। उस शख्स ने मुस्कुराकर ही इस आसन की तरफ इशारा किया। रेखा यंत्रवत सी बढ़ी और उस स्टूल पर बैठ गई। और अब रेखा की नजर उस व्यक्ति के पैरों पर पड़ी। वो नंगे पांव था और उसका एक ही पैर था। तो दोस्तों, ये था स्वाहा उपन्यास का पार्ट 3। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।